आज सारी पृथ्वी हिंसा निष्ठुरता लोभ लालसा से त्राही त्राही हो उठी है। क्या हम अपने ही विनाश की ओर चल पड़े हैं? इस धरा पर कलयुग का साम्राज्य प्रलय की ओर अग्रसर है। विज्ञान और चिकित्सा की अत्याधुनिक उन्नति ने मनुष्य का जीवन अत्यंत सुखप्रद बना दिया है, परंतु क्या यह अभूतपूर्व उन्नति शांति और संतुष्टि की रचना करने में सक्षम है? क्या हम इस अवस्था से मुक्त नहीं हो सकते? क्या हम एक स्वस्थ संतुलित एवं शांति प्रदायक जीवन व्यतीत नहीं कर सकते? अब समय आ गया है अंतिम निर्णय का। समय आ गया है आत्मज्ञान प्राप्त कर स्वयं को और संपूर्ण विश्व को विध्वंस से बचाने का। सभी विध्वंसकारी शक्तियों से पृथ्वी की रक्षा करने के लिए एवं धर्म की प्रस्थापना हेतु युगों युगों से अनेक ऋषि मुनियों ने इस धरा पर जन्म लिया है। उन्होंने विश्व शांति की प्रस्थापना एवं संपूर्ण मानव कल्याण के लिए अपने आप को उत्सर्ग कर दिया। संपूर्ण शांति का एकमात्र स्रोत है परमात्मा की सर्वव्यापी प्रेम की शक्ति, जो विश्व की प्रत्येक जीवंत क्रिया को कार्यान्वित करती है। इस अनंत प्रेम की शक्ति से योग स्थापना करने की महत्ता का वर्णन प्रत्येक ऋषि मुनि ने किया है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने इसी योग की महत्ता को दर्शाते हुए कहा है, अनन्यश्चिन्तयन्तु मां ये जना परियुपासते तेषां नित्याभियुक्तानं योगक्षेमं विहम्यहम्। आत्मा का जब परमात्मा के साथ योग घटित होता है, तब आत्मा परमात्मा के प्रेम से आलोकित होती है। श्री गौतम बुद्ध ने इसी प्रकाश धारा का वर्णन किया, एकमात्र इसी योग का प्रकाश सत चित आनंद की अनुभूति दे सकता है। चीन के महान गुरु लाओसे ने इसी आध्यात्मिक जीवन के लक्ष्य की गाथा गाई है। यह बात हमें स्पष्ट रूप से समझ लेनी होगी कि केवल एकमात्र योग की स्थापना द्वारा ही साधक इस नव जागरण को प्राप्त कर सकता है, अर्थात उसका पुनर्जन्म होता है। वही द्विज है, इसी पुनर्जीवन को जीसस क्राइस्ट ने बैप्टिज्म का नाम दिया।
महान पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा था कि कयामा के समय मनुष्य के हाथ बोलेंगे। अतः ईश्वर की प्रेम शक्ति या शीतल स्पंदन जब साधक के केंद्रीय स्नायु तंत्र से प्रवाहित होती है, तब मनुष्य चेतना के चतुर्थ आयाम पर उत्तीर्ण होता है। तब वह अपने एवं दूसरों के सूक्ष्म तंत्र की गतिविधियों को अपनी दोनों हथेलियों पर अनुभव कर सकता है। गुरु नानक जी एवं शिरडी के साईनाथ ने मनुष्य के अंदर इसी प्रेम की जागृति का संगठन स्थापित करना चाहा था। आजकल हजारों लाखों की तादाद में सत्य को खोजने वाले सभी साधक सहज योग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार की अनुभूति एवं ईश्वर की सर्वव्यापी प्रेम की शक्ति का आनंद उठा रहे हैं। परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी ने सन 1970 में सहज योग की संस्थापना की। In the world of this nonsense that we are living, we have to be something like the lotuses, who cannot be tarnished, who cannot be affected by all the ills that are going on. This is what is the test, is the pariksha. That at this time, at this difficult time, we can blossom and create fragrance and get so many others to this beautiful atmosphere. अब हमें वन में जाकर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, हम सांसारिक जीवन यापन करते हुए भी सहज योग द्वारा ईश्वर की सर्वव्यापी प्रेम शक्ति से एकाकारिता प्राप्त कर सकते हैं। घर पर प्रतिदिन सुबह और शाम ध्यान करने से एवं सप्ताह में केवल एक दिन सामूहिक रूप से ध्यान केंद्र पर ध्यान करके मनुष्य का धीरे धीरे आध्यात्मिक उत्थान होता है। आजकल सभी उम्र के लोग चैतन्य लहरियों का आनंद ले रहे हैं। सहज योग ध्यान केंद्र पूर्णतः निशुल्क है। सो यू हैव टू ओनली लर्न हाउ टू मेक दिस कनेक्शन परफेक्ट एंड होल बीइंग टू बी प्यूरिफाइड। Now for that you don't have to go to Himalayas or do any kind of penance, sacrifice, fasting, nothing. It's not needed at all. Only thing, you have to come to the collective. We have very simple type of collective because we don't take money or anything. You can't pay for it. It's so invaluable that you can't pay. How much will you pay? How much do we pay to Mother Earth for these beautiful flowers? Can't pay for it. So people who are sahayogis have somehow or other gathered a little money and they have a little place where they are having meditation for them. It's a humble place. You should humble down and come there and join the collective. Once you join the collective, you'll be amazed that you'll be cleansed automatically. Automatically you'll be cleansed. Also they'll tell you how to meditate at home. Just try and you'll be amazed that you are really glorious, you are really beautiful, and there is a purpose to our life. We are not born just by chance. There's a very big purpose, and when you discover that, you know your value and your identity. सह अर्थात साथ में और जा जन्मा हुआ। संस्कृत भाषा में सहज शब्द का अर्थ है सहजात अर्थात साथ में जन्मा हुआ। योग अर्थात परमात्मा से एकाकारिता जो संपूर्ण जीवंत क्रिया को परिचालित करती है। यह योग मनुष्य के अंदर शुद्ध इच्छा शक्ति अथवा केवल एकमात्र कुंडलनी जागरण के माध्यम से ही घटित हो सकता है। यही कुंडलनी शक्ति जागृत होकर ब्रह्मरंध्र को छेदती हुई परमात्मा की सर्वव्यापी प्रेम शक्ति से मिल जाती है। यह शक्ति 3.5 कुंडल के आकार में मेरुदंड के नीचे त्रिकोणाकार पावन अस्थि अथवा सेक्रम में सुप्त अवस्था में रहती है। हर मनुष्य के अंदर 3 नाड़ियों इड़ा पिंगला और
सुषुम्ना नाड़ी का सूक्ष्म तंत्र है और सात चक्र हैं मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहत, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य अपनी हथेलियों पर और सर के तालु भाग पर शीतल चैतन्य लहरियों का अनुभव कर सकता है। साधक एक अद्भुत निर्विचार चेतना की स्थिति में चला जाता है तथा दिव्य शांति एवं मौन के अनुभव में खो जाता है। तब उसका बायां और दायां पक्ष अथवा ईड़ा और पिंगला नाड़ी के साथ मध्यपद अथवा सुषुम्ना नाड़ी का संतुलन स्थापित होता है। साधक सभी प्रकार के संतुलित जीवन का अधिकारी हो जाता है। नियमित सहज योग ध्यान धारणा से मनुष्य अंतर्मुखी हो उठता है। स्वतः ही हमारे विचार शांत होने लगते हैं। हम एक ऐसी अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं जो निर्विचार समाधि कहलाती है। एकमात्र निर्विचारिता की स्थिति में ही ध्यान संभव है। हम अपने सम्मोहन द्वारा अथवा कल्पना करके या फिर बहुत मन लगाकर भी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित महान वैज्ञानिक सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस निर्विचारिता की स्थिति को वैक्यूम का नाम दिया है। इसी स्थिति में मनुष्य ज्ञान के अथाह सागर में डूब जाता है। Now in Sahaja Yoga, many people have been cured of cancer, no doubt. Also of AIDS, they are cured. So many people have been cured. It's not, I'm not telling you something false. But for that, one has to understand that there is some power beyond us. Something much beyond. Like Einstein himself has said, that there is a kind of an area, which he calls as torsion area, which you will see in one of these things, torsion area, which is beyond our human personality. He calls it, we have to be a vacuum ourselves. We should not exist anymore, a physical, emotional, or a mental being. When you go beyond that, if there's a vacuum, then only you can feel the torsion area. He's clearly said it. But he was a realized soul himself. So whatever he says, people want to doubt, to see whether it is. So with rationality we start doubting. But not to believe in Einstein shows how arrogant we are. After all, Einstein is saying there must be some in it.